तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं और ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन, यानी किस तरीके से ऑक्टल नंबर सिस्टम को हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं, क्या उनका प्रोसीजर होता है। तो चूंकि मैंने पहले ही बता रखा है कि ऑक्टल के लिए 3 दिन का कन्वर्जन यानी 3 दिन का पेयरिंग लगता है और हेक्साडेसिमल के लिए 4-4 का पेयरिंग लगता है। तो चूंकि ऑक्टल के लिए हमें क्या करना होगा, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए दो पार्ट दिए हुए हैं, पहला इंटीग्रल, दूसरा फ्रैक्शनल। तो इंटीग्रल पार्ट कितना दिया हुआ है, 174654 दिया हुआ है। तो ये 1 हम अलग लिख देंगे, 7 अलग लिख देंगे, 4 अलग लिख देंगे, 6 अलग लिख देंगे, 5 अलग और 4 अलग। तो अगर हम 1 की बात करें तो 1 के लिए ऑक्टल में क्या लिखा जाता है, 001 लिखा जाता है, 7 के लिए 111 लिखा जाता है, 4 के लिए 100 लिखा जाता है, 6 के लिए 110 लिखा जाता है, 5 के लिए 101 लिखा जाता है और 4 के लिए क्या लिखा जाता है, 100 लिखा जाता है। अब चूंकि हमें क्या करना है, हमें कन्वर्ट करना है किसमें, हमें किसमें कन्वर्ट करना है, किसमें करना है, हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, 00 का पेयरिंग लेना पड़ेगा। तो ये 4 टाइम 0 हो जाएगा, ये आपका क्या होगा, ये F हो जाएगा, 4 टाइम 1, और ये आपका क्या होगा, 1001 हो जाएगा, ये आपका क्या होगा, 101 हो जाएगा, और ये आपका 1100 हो जाएगा। तो ये किसके लिए यूज होगा, 0 के लिए, ये F के लिए, ये 9 के लिए, A के लिए, ये C के लिए। तो आपका इन पूरे वैल्यूज के लिए फॉर द ऑक्टल जो हेक्साडेसिमल होगा वो क्या होगा, F9A6, ये आपका हेक्साडेसिमल में होगा ऑक्टल जो कन्वर्जन रहेगा। फ्रैक्शनल पार्ट की हम बात करें तो 2373054 है, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट हमें करना है। तो 3-3 का पेयरिंग फॉर द ऑक्टल, लेकिन ऑक्टल के लिए नहीं, हमें हेक्साडेसिमल के लिए करना है। तो हेक्साडेसिमल के लिए 4-4 का पेयरिंग जरूरी है, तो हम क्या करेंगे, 0101 करेंगे, और इसके लिए हम क्या करेंगे, 1101 करेंगे, और इसके लिए हम क्या करेंगे, 1000, इसके लिए हम क्या करेंगे, 101 करेंगे, और इसके लिए हम क्या करेंगे, 3 टाइम 0 करेंगे। तो ये आपका जो कन्वर्जन होगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होगा। तो हमने क्या किया, 0.5D8B0 हमने क्या किया, लिख दिया, क्योंकि ये D के लिए होता है, ये B के लिए होता है। तो आपका जो फाइनल रिजल्ट होगा वो कितना आएगा, F9AC पॉइंट 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 कितना बनेगा आपका, 0.5D8B। ओके, 00 नेगलेक्ट कर दिया गया, लिखने की जरूरत नहीं है, आप चाहे तो लिख सकते हैं। और ये प्रैक्टिस का एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसको, और मिलता है, तब तक ले, थैंक यू।